वहीं पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बेहद गंभीर है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ड्यूटी पर आयोग ने सीएपीएफ की 100 और कंपनियों की तैनाती के लिए निर्देश दिए हैं। देखिए भारत एक्सप्रेस की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराना अभी प्राथमिकता है, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने और चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है। उस फैसले में पैरामिलिट्री फोर्सेस पर काफी विश्वास जताया है। चुनाव के दौरान चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात रहेंगी और अपनी पैनी नजर गड़ाए रखेंगी। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मुहिम में जुट गई है। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की 100 और कंपनियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं और इन अतिरिक्त सीएपीएफ कंपनियों को पश्चिम बंगाल में 15 अप्रैल तक तैनाती को पूरा करने का काम अधिकारियों को सौंपा गया है। खास बात यह है कि आयोग के निर्देश पर ही प्रदेश में सीआरपीएफ की 55 और सीमा सुरक्षा बलों की 45 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इससे पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निष्पक्ष चुनाव को लेकर इस हफ्ते की शुरुआत में चुनाव आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी और इसका मकसद संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन और सीमाओं की सख्त निगरानी को सुनिश्चित किया जा सके। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पहले ईडी की टीम पर हमला हुआ और उसके बाद एनआईए की टीम पर हमला हुआ और संदेश खाली जैसी दर्दनाक हादसा हुआ, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो सके। वही लोकसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की टीम पर जिस तरह से हमला हुआ, इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है और इसीलिए प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो, इसको लेकर चुनाव आयोग भी बेहद गंभीर है। इसीलिए निर्वाचन आयोग एक के बाद एक कई अहम फैसले ले रहा है। मतदान के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे डीसीआरसी से मतदान केंद्र तक ईवीएम और अन्य मतदान सामग्री की आवाजाही पर नजर रखी जा सके। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और यहां सभी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को 3 सीटों पर होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल को 3 सीटों पर होगा, तो वही तीसरा चरण 7 मई को 4 सीटों पर रखा गया है। चौथे चरण की लड़ाई में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग डाली जाएगी। पांचवा चरण 20 मई को 7 सीटों पर होगा, जबकि छठा चरण 25 मई को 8 सीटों पर होगा और सातवां चरण 1 जून को 9 सीटों पर होने वाला है। वही मतगणना 4 जून को होगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ये अहम फैसला गृह मंत्रालय ने और चुनाव आयोग ने ले तो लिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ता है। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।